एक तुच्छ से वानर में इतना अधिक बल, किंतु जो शक्तियाँ मुझे मेरी माता से प्राप्त हुई हैं, उन मायावी शक्तियों के समक्ष ये वानर टिक नहीं पाएगा। हनुमान, जीवित नहीं बचोगे तुम। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूं तुम सबसे, फिर भी एक विनती करता हूं तुम सबसे कि तुम में से कोई एक इस राज सिंहासन को संभाल ले। मेरे प्रिय भाइयों, इस राज मुकुट को धारण करके अपने भैया राम और अपनी भाभी सीता पर दया करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति दिलाओ। राम को सीता को त्यागने के पाप से रोक लो। हम दोनों को वन जाने की अनुमति दे दो। शत्रुघ्न, अब जी नहीं लगता यहां। मुक्त कर दो मुझे इस उत्तरदायित्व से। कर लो ये राजमुकुट, हम ऐसे किसी में इतनी शक्ति नहीं जो आपका मुकुट धारण कर सके। हाँ भैया, आपके सिंहासन को स्पर्श करने के योग्य हम में से कोई भी नहीं। हम तो आपके चरणों की मात्र धूल हैं। हम अग्नि धारण कर सकते हैं अपनी शीश पर, किंतु आपका मुकुट नहीं। भैया भैया कहकर भी अपने भैया के जीवन को बोझ मुक्त नहीं करना चाहते तुम सब। मुझे अपनी सीता से विलग मत होने दो, मत होने दो विलग। कठिन परिस्थिति में मेरा हनुमान भी मेरे साथ नहीं। जिसके साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। दुष्ट भैया, आपका कोई भी निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं होता, किंतु इस संवेदनशील विषय पर निर्णय लेने में शीघ्रता ना करें भैया। एक तुच्छ से धोबी ने कुछ कह दिया और उसकी बात सुनकर आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। भैया, जितने मुंह उतनी बातें। अपना स्वार्थ साधने के लिए मनुष्य अपने अनुसार बातें बना लेते हैं। उनकी बात पर यदि इस प्रकार से निर्णय लेने लगे, जीवन दुबर हो जाएगा। ये कोई अपराध नहीं है भरत, ये तो एक सोच है। आज एक धोबी ने प्रश्न किया, कल को ये बात फैलेगी तो कोई दूसरा प्रश्न करेगा और एक दिन
एक दिन पूरा राज्य उंगली उठा सकता है। अपनी मर्यादा का संरक्षण करना है, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है। यदि इस सोच पर अंकुश लगाना है तो मुझे राज सिंहासन का त्याग करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। प्रभु श्री राम के स्मरण से मन विचलित क्यों हो रहा है? कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है? हनुमान, समुद्री जीव ही नहीं, यहाँ वनस्पतियां भी रक्त रोम के वश में हैं। इतनी सहजता से छुटकारा नहीं पाने दूंगा मैं तुम्हें। हनुमान, तुम्हारी ये देह वज्र समान है ना, किंतु अब तुम्हारी यही देह इस हिम की शीतल कठोरता के भीतर बंदी बनकर रह जाएगी। लौह से भी अधिक सुदृढ़ है इस हिम की शीतल कठोरता। श्री राम। आप अपना दिया हुआ वचन भंग कर देंगे? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे राम, जो आपने भरी सभा में सबके समक्ष की थी? अपने राज्याभिषेक से पूर्व सूर्यदेव को साक्षी मानकर लिए गए प्रण को भूल गए राम? मर्यादा है कि आपकी राम, कि आप अपने राजधर्म से, अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ रहे हैं, मात्र अपने सुख के लिए, अपनी भार्या के लिए।
सूर्यवंशी रघुकुल दीपक दशरथ पुत्र राम, क्या उस रघुकुल के गौरव को धूमिल कर देंगे आप? जिस कुल में दशरथ ने वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर देंगे क्या वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं? स्मरण रहे, सिंहासन पर विराजमान होने वाले की निज इच्छाएं राजधर्म के समक्ष कौन होती हैं? सर्वोपरि होता है तो मात्र राजधर्म। भैया, अपने उन भ्रामक विचारों से बाहर निकल आइए जो आपको विचलित कर रहे हैं। भैया, अपने मस्तिष्क, अपने विवेक एवं अपने हृदय के बीच में होने वाले द्वंद को रोकिए भैया, रोकिए। क्या आप राजधर्म से द्रोह करेंगे राम? नहीं, नहीं। ये रघुवंशी दशरथ पुत्र राम राज धर्म से द्रोह नहीं करेगा। महाराज इश्वाकु से लेकर पिताश्री महाराज दशरथ तक समस्त पूर्वजों ने अनेकों बलिदान त्यागों और कष्टों से जो कीर्ति स्थापित की है उसे कलंकित नहीं होने देगा राम। मेरे राज धर्म, मेरे वचन और मेरी प्रतिज्ञा का निर्वहन करने के लिए अब मात्र एक ही विकल्प है। सीता और मैं विरह वेदना वेदना पीड़ा सहे विलगता की नियति का यही निर्णय है हमारे जीवन के लिए। मेरे हृदय में इतनी अधिक पीड़ा क्यों उठ रही है? वहां तो मेरे प्रभु श्री राम रहते हैं, फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के हृदय में पीड़ा उठ रही हो? ये रक्तरोम तो पुनः उठ रहा है। अवश्य ही प्रभु किसी बड़ी दुविधा में है। मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाकर प्रभु के पास जाना होगा। हनुमान जी, सावधान! बस बहुत हो गई क्रीड़ा। रक्तरोम का वध हो गया है, अब मुझे शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम के पास जाना होगा। उन्हें अवश्य ही मेरी आवश्यकता है। इतने में क्या शीघ्रता है वानर? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ है।
अमर रक्त रोम की वास्तविक क्रीड़ा तुमने अभी देखी ही कहा है हनुमान। अब ये क्या कर रहा है? कहां गया ये दुष्ट राक्षस? रक्तरोम, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। छठ के वार सहे कपिराई, जाके चित मह बस रघुराई। जग से दुखी भय जग के खिबैया, अनुज व्यथित देखी दशा भैया। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। जान की जानी ना भेद जे कोई, प्रभु की परीक्षा मह जा सोई। खेल निराले विध ने खेले, जाने कैसे जे दुख सब झेले। मेरे प्रभु अवश्य ही किसी कष्ट में हैं, और मैं यहाँ इस राक्षस में उलझा हुआ हूँ। मैं और अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकता यहाँ। जय श्री राम। ये समुद्र ही तुम्हें बार बार छुपा रहा है ना राक्षस? अब देखता हूं कि तुम कहां छुपोगे। ये हनुमान तो अनर्थ करने जा रहे हैं। समुद्र का संपूर्ण जल पी लेंगे तो समुद्र में रहने वाले जलचरों का क्या होगा? हनुमान, ऐसा मत कीजिए। समुद्र का जल समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ही नहीं, समस्त पृथ्वी के जीवन का भी आधार है। यदि समुद्र या नदी का जल समाप्त हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। जलचर ही नहीं, प्रकृति के समस्त कार्य रुक जाएंगे। अब इस अनिष्ट से कौन रोकेगा हनुमान को? न जाने क्या होने वाला है। ऐसा निर्णय मत लीजिए भैया। पहले भी भाभी माँ ने अनेक कष्ट अनेक वेदनाएं सही हैं। आपको सुख के दिन आए हैं, और पुनः ये नहीं, नहीं भैया नहीं। प्रिय सीता का त्याग करना ही होगा राम को। लक्ष्मण, कल प्रातः सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ सीता को ले जाकर एकांकी गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें, जहां हम वनवास में रह चुके हैं।
ये आदेश है मेरा। नहीं भैया नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए। भाभी मां के जाते ही इस महल से समस्त सुख चले जाएंगे। आपके जीवन से, हम सबके जीवन से प्राणहीन हो जाएंगे हम सब। ऐसा मत कीजिए भैया, मत कीजिए। सीता के जीवन में प्रवेश ही किया था कि पुनः दुर्भाग्य ने दुख के द्वार खोल दिए। पुनः नियति श्री राम और देवी सीता को विरह की अग्नि में झुलसाने वाली है। हनुमान के भोले भाले हृदय पर क्या प्रतीत होगा जब उन्हें अपने प्रभु एवं माता के पुनः विछोह का समाचार मिलेगा। नियति जीवन में अनेक चुनौतियां लाती है, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका सामना कैसे करता है।